हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज मैं लेके आई हूँ रवा का ऐसा नाश्ता, एक गोल बना लेंगे और दो नाश्ते तैयार हो जाएंगे। तो देरी नहीं करते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक कटोरी रवा ले लिया है। रवा मतलब सूजी, आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, मोटी वाली, पतली वाली, जो भी आपके घर में वो ले लीजिए। और इसमें डाल देते हैं सबसे पहले पानी। तो पानी अपन को इतना डालना है कि उसके ऊपर थोड़ा सा रहे, ऊपर तक रहे। देखिए इस तरह से, देखिए मैं दिखा देती हूँ, इतना बस। इस तरह से इसको 5 से 10 मिनट के लिए सोक होने के लिए रख देते हैं सूजी को। और फिर 5 मिनट के बाद, देखिए 5 से 10 मिनट के बाद देखिए कितने अच्छे से ये सूजी सोख हो गई है, अच्छे से गल गई है। तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अपन निकाल देंगे और फिर इसको घोल लेंगे, मतलब इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद सबसे पहले डालेंगे इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया। आप चाहो तो मन चाहिए इसमें सब्जियाँ भी डाल सकते हो। मैं इसको सादा सा बना रही हूँ। और थोड़ा सा अदरक इसको घिस करके डाल देंगे इसमें, बस थोड़ा सा अदरक डालेंगे। और फिर इसको एक आलू ले लेंगे मीडियम साइज़ का। और आलू को क्या करेंगे, मीडियम वाले जो छेद होते हैं ना कद्दूकस में, उससे इसको घिस करके बढ़िया से लच्छेदार आलू को इसमें मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और बहुत ही मस्त नाश्ता बनेगा। और 2 से 3 चम्मच इसमें दही डाल देंगे। दही डालने के बाद फिर डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से, जैसे आप कम ज़्यादा खाते हो। और फिर डाल देंगे इसमें चाट मसाला। तो अपन को कोई भी ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, बस चाट मसाले से काम अपना हो जाएगा। तो बस इन सबको कर देते हैं बढ़िया से मिक्स। और इस नाश्ते को खाएंगे आप, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही झटपट बनता है और बहुत ही मस्त लगता है खाने में। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए और बनाइए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा पतला सा घोल बनाना है। तो बस, और फिर यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच के करीब शक्कर ले लूँगी। इससे क्या होगा कि अपने जो नाश्ते में है ना कलर बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ी सी शक्कर डाल ली है बस कलर के लिए। इस तरह से इसका घोल तैयार कर लेंगे और फिर रख देते हैं इसको साइड में। फिर ले लेते हैं अपने ब्रेड, जो भी आपके घर में अगर बची हुई ब्रेड है तो वो भी ले लीजिए, नहीं तो ताज़ा लेके आइए, उससे भी बना लेंगे। और बस मैंने 4 ब्रेड ले ली हैं और यहाँ पर कर लिया है तवे को गरम, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। और ये जो घोल बनाया था ना उसके अंदर ब्रेड को पूरा अच्छे से डुबो देना है, इसके अंदर इस पर अच्छे से सूजी का घोल लगा लेना है। देखिए साइड में आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से इसको उलट पलट के पूरा अच्छे से इसके ऊपर घोल अच्छा सा लग जाना चाहिए। और लगा करके सीधा रख देना है तवे के ऊपर और बस इसको सिकते रहने देना है, एक साइड से धीमी आँच पर सीकना है। मैंने देखिए 4 ब्रेड को रख दिया है बढ़िया से, इसके ऊपर अच्छे से सूजी का जो घोल है ना वो अच्छे से लग चुका है। इसको भी मैंने पलट दिया है, देखिए कलर कितना मस्त आया है। और मैं अभी आपको देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं ऊपर से, क्योंकि अभी एक बार और पलट के इसको सेकेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसको पलट अलट पलट कर बढ़िया से सेक लेते हैं। देखिए ये कितना मस्त कलर आ गया है, देखिए जितना अच्छा कलर आया है उतना ही अच्छा खाने में भी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। हरी चटनी सॉस के साथ खाइए और बढ़िया से इंजॉय करिए। ये देखिए बन करके तैयार है, निकाल लेते हैं प्लेट में झटपट से। और एक और नाश्ता मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा ऑयल और लगा लेते हैं तवे पर। और जो अपना घोल बचा हुआ है इसका बना लेंगे अपन रवा का चीला, सूजी का चीला। तो बस इसको इसके ऊपर फैला देंगे और इस तरह से फैलाने के बाद इसको सिकने देते हैं। और अब तक आपको दिखाती हूँ ब्रेड वाला नाश्ता। तो ये देखिए कितना मस्त बन करके तैयार है, मैंने सॉस के साथ इसको सर्व किया है। आप चाहो तो इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो, पुदीना हरे धनिया की चटनी होती ना उसके साथ भी। और यहाँ पर देखिए अपना चीला भी बढ़िया से सिक करके तैयार हो गया है, देखिए कितना गोल्डन अच्छे से कड़क वाला चीला बढ़िया इसको सिक गया है। तो इसको मैं कर देती हूँ रोल, और अगर आप चाहो तो इसमें आलू की स्टफिंग भी भर सकते हो, और नहीं तो ऐसे ही सॉस के साथ खाओगे, बढ़िया मस्त लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं देखिए इस तरह से चाकू से काट दिया और थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और ये देखिए अपने नाश्ते बन करके तैयार हैं। और इधर देखिए ब्रेड को मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना मस्त बना हुआ है, जितना मस्त बना हुआ है उतना ही मस्त इसका टेस्ट है। तो बढ़िया से बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे तक शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिले।